गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अज आप करांगे क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर 12। अजे आप इसकी इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं ताकि आप एक्सरसाइज जी आसानी नाल समझ के कर सकीए ते अपन वो करनी आसान होवे। कल आपां कीता हैगा अलजबरिक एक्सप्रैशन की होंगे, अज आप करांगे कोफिशेंट की होंगे। कोफिशेंट हो वी हैव लर्नड हाउ टू राइट ए टर्म एज ए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। टर्म कि लिखनी जिमें प्लस माइनस करके टर्म लिखा। वन ऑफ दीज मे बी न्यूमेरिकल एंड अदर इज अलजबरिक। एक की होगा नंबर होगा तो दूसरा की होगा अलजबरिक होगा, जेडे मैं तुम एक्सप्रैशन दसे है पिछली वीडियो के। न्यूमेरिकल फैक्टर इज सैट टू बी ए न्यूमेरिकल कोफिशेंट और सिंपली द कोफिशेंट। जेडे भी किसी भी एक्सप्रैशन के नाल जिमें एक्स वाई जैड के नाल कोई भी जोड़ा नंबर लगा होगा, जिमें आप फॉर एग्जाम्पल 4x ले लिए, ये कोफिशेंट की आ 4, वो की होगा यदा कोफिशेंट होगा। जोड़ा भी कोई भी एक्सप्रैशन के नाल जोड़ा वा अपने को नंबर लगा है, न्यूमेरिकल नंबर लगा है, ये 1 भी जो कोई भी नहीं लगा कला एक्स लिखा तो इतने आप मानते हैं 1, जिमें 2x 3x 4x इन सारे एक्स का कोफिशेंट की है 2, ए 3 है, ये 1 है, ये 4। इस तरह जेडे जेडे ये आप अगे पार्ट करा उन्होंने सब तो पहले आप एक्स का कोफिशेंट फाइंड करा, फिर मैं तुम दसूँगी कि एक्स स्केयर की होंगे। फिर अज तुम सिर्फ की करोगे कोफिशेंट की वैल्यू जी अपनी कॉपी के उत्ते कोफिशेंट की होंगे यदि इंट्रोडक्शन लिखोगे, तो वक्रे वक्रे एक्स की जी वैल्यू आगजाम्पल दोगे जिन्होंने उन्होंने कोफिशेंट दसोगे भी एक्स का कोफिशेंट की आ। आई होप तुम्हें यह समझ लग गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।